साथियों अपने भी सोहेल भाई हैं, सोहेल खान साहब इस क्लिनिक के बहुत अच्छे साथी भी हैं, बहुत अच्छे अपने दोस्त भी हैं, एक रिलेशनशिप है। लेकिन एक बड़ा अच्छी बात यह हुई कि बुरी बात हुई, पहले बुरी बात यह हुई कि सोहेल भाई को किडनी में दिक्कत हो गई, इनको डायबिटीज़ की दिक्कत है। पेशेंट का मैं इंफॉर्मेशन शेयर करने के खिलाफ हूँ, लेकिन अब ये क्योंकि सही है तो मैं फख्र से कर सकता हूँ, इसलिए मैं आपके सामने ये बातों को ला रहा हूँ क्योंकि ये सही हो चुके हैं। ना सही हो गए होते तो मैं वास्तव में, या इलाज चल रहा होता इस बीच तो वास्तव में मैं ये बात ना करता, लेकिन ये ठीक हो चुके हैं कि दवा डिसकंटिन्यू हो चुकी है। तो सोहेल भाई के किडनी में थोड़ी दिक्कत हुई थी। आप ऐसा मत कहिए, एक्सक्यूज मी, मैं आपको ब्रेक कर रहा हूँ। आप ये मत कहिए कि मुझे किडनी में थोड़ी सी दिक्कत हुई है, बल्कि आप ये बताइए कि मैंने जहाँ डॉक्टरों से जांच करवाई, जिन डॉक्टरों के पास मैं गया, उन्होंने जो मुझे मेरा जो देख रेख की, जो भी मेरा इलाज तजवीज़ किया, उसमें मैं डायलिसिस के स्टेज पे पहुँच गया था। और उसके बावजूद वो मुझे टैबलेट्स खिलाने के लिए, जबकि मैंने क्राइटेरिया बढ़ने पे एक क्रोसिन खाना भी जो है वो जहर हो जाता है। और उसके बाद वो रिपोर्ट लेकर मैं यहाँ आया। मैं इनसे, इनको 4-5 साल से जानता हूँ, काफ़ी दवा इलाज की, मेरा, मेरे बेटे की, मेरी फैमिली की दवा, मेरे जानने वाले भी आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सबको शफा हुई। लेकिन यहाँ मैंने देखा कि, और जो, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन जो और भी डॉक्टर हैं उन्होंने कमाई का लिंकअप बना रखा है। जो चीज़ मुझे यहाँ डॉक्टर उमंग खन्ना साहब के यहाँ नहीं दिखी, और यहाँ मैंने इनसे दवा ली और आज मैं सुकून से सब कुछ खा पी रहा हूँ। थोड़ा सा सर्वाइकल का प्रॉब्लम है, वो भी ये कह रहे हैं, और मुझे यकीन है। देखिए, मैं ये तो नहीं कहता कि ऊपर भगवान है और नीचे डॉक्टर होते हैं, लेकिन अल्लाह ताला जो है वो किसी न किसी के हाथ में मसाही शफात रखता है, और वो शफात मुझे इनमें नज़र आई। इस वजह से ये मेरे अच्छे दोस्त हैं और मैं बहुत इनकी इज्जत करता हूँ, मेरे से उम्र में छोटे हैं, लेकिन इनका तजुर्बा, इनका दवा देना, इनकी बोलचाल, इनका पेशेंट्स के साथ में इनके ताल्लुकात, ये बहुत ही, मतलब, अद्भुत कहें या एक बहुत ही प्यारा, और इनका दवाओं का अंदाज़ देने का, खुराक बताने का, लोगों को पैसा कमाना इनका मकसद नहीं है, पैसा तो ऊपर वाला इनको दे ही देगा और दे रहा है और देगा इंशाल्लाह, उसमें वो नहीं है, लेकिन ये दवाओं पे ख़ास तौर पे ये करते हैं। कभी कभार ऐसा हुआ कि मेरे पास पैसे भी नहीं रहे, मैंने अपने बेटे को भेज दिया कि हाँ पैसे बाद में दूंगा, तो इन्होंने उसके लिए रोका नहीं, लेकिन ये मेरे इलाज के लिए, ये मुझे खुद रात को 10-10:30 बजे फ़ोन करके पूछते रहे कि, या मैंने किसी पेशेंट को फ़ोन किया तो भेजा तो उसके बारे में भी इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी। तो मैं आपसे कोई ये अपील नहीं कर रहा हूँ कि आप लोग के, आप इनसे दवा लीजिए और ये कीजिए वो कीजिए, मैं सिर्फ इनकी खूबी गिनवा रहा हूँ कि ये मेरी नज़र में एक बहुत ही अच्छे डॉक्टर और उससे कहीं ज़्यादा अच्छे इंसान, और आप इसको मेरी चापलूसी, कोई पैसे लेके मैं नहीं बोल रहा हूँ, कोई कुछ नहीं, कोई दबाव में नहीं बोल रहा हूँ, मैं खुद अपने एक मुकाम रखता हूँ, लेकिन डॉक्टर साहब की दवाओं में असर है जिसका मैं खुद यहाँ पे बैठा आपके सामने, अगर आप मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो मैं खुद ये हूँ कि दाल चावल से सब कुछ खाने पर आ गया हूँ। एक हफ्ता मैंने खाना नहीं खाया था, लीवर और किडनी का प्रॉब्लम इतना हो गया था, लीवर 8 दिन में इन्होंने ठीक कर दिया, उसके जो फैट हो गया था, किडनी का भी ठीक हो गया, आज सब कुछ ठीक है। तो मैं अभी भी इनसे दवा लूँगा और आप लोगों को भी मशवरा दूंगा कि कोई बीमारी हो तो सब्र से काम लीजिए, होम्योपैथिक में थोड़ी सी देर है, अंधेर नहीं, इलाज हो जाता है, और बाकी डॉक्टर साहब बोलेंगे। बस यही बोलना है, ये आप लोगों के साथ एक खुशी का मौका जो शेयर करें, क्योंकि अब इनका किडनी की दवा नहीं चल रही है, लेकिन ये बड़ा अच्छा रहा कि 5.17 से है, 5.17 5.56 से आपकी किडनी लेवल जो है कल 1.17 आ गया, 1.2 तक नॉर्मल होता है, तो जब 1.17 आ गया तो हमने कहा सोहेल भाई आइए जूस के लिए सुबह साथ बैठते हैं 2 पल। हाँ, और कोई पार्टी तो हम लोग कर नहीं सकते, तो फिर जूस ही पिया जाए, जूस पार्टी होगी, और यही बस खुशी की बात है कि आपका किडनी और बीमार। मैं एकदम दिल से शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर साहब का, एहसानमंद हूँ जो इन्होंने मेरे ऊपर इतनी तवज्जो दी, मेरा इलाज किया, मुझे ठीक किया।
अगर मेरी ज़िंदगी आगे रही तो मैं सिर्फ इनको दुआएं दे सकता हूं और लोगों से ये कह सकता हूं कि भाई अगर कोई मुझसे मशवरा मांगे तो मैं एक ही नाम लूंगा, डॉक्टर उमंग खन्ना। धन्यवाद साथियों, अब सोहेल भाई और हमारे जूस का वादा है वो शुरू होगा, कभी आइएगा आप लोग भी क्लिनिक तो हम लोग के साथ दिन में बैठा जाएगा। सिर्फ प्योर जूस। हाँ हाँ, धन्यवाद।